एकदम 55 से 56 घंटे हो गए ले, और ये एरिया में बिजली नहीं है मोहम्मदी नगर में। 250-300 घरों में लाइट नहीं है, कम से कम 2 दिन हो गए, 55-56 घंटे हो गए। यहाँ लेडीज और जेंट्स सब मिलकर हम लोग है ना, हो सके तो एमएससीबी ऑफिस पर जाएंगे। लाइन आ रही जा रही, किसी के बल्ब उड़ रहे, किसी के टीवी उड़ रहे, किसी के फ्रिज उड़ रहे, इसकी भरपाई कौन देंगे? हमारी 2 दिन से लाइट नहीं है, लाइट की वजह से हमारे नल नहीं आते। तिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन, सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। तो आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। आपके सपनों का घर अब आपके बजट में। आरके हाइट्स 2 BHK फ्लैट्स एंड शॉप्स में, जिसमें आपको मिलेंगे लग्जूरियस फ्लैट्स एंड शॉप, रेडी पोजीशन विद लॉक एंड की, वास्तविक कंप्लीट फ्लैट, स्पेशियस पार्किंग एरिया, लिफ्ट फैसिलिटी विद बैटरी बैकअप, 5 ईयर मेंटेनेंस फ्री। तो अभी संपर्क करें 9766072430, 9309519303। साइट का पता गांधी नगर, इंफालक नगर, भुसावल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन भुसावल। शहर में बीते 3 दिनों से आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू है, जिसके कारण कई इलाकों में इलेक्ट्रिक खंबे गिर गए हैं और क्षेत्र की बिजली गुल हो गई है। वह आज मोहम्मदी नगर के रहवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में बीते 56 घंटों से बिजली गुल है, जिससे उनके परिसर में नागरिकों के घर तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और नागरिकों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने कई बार महावितरण अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर जानकारी दी है, पर अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। वह अब चेतावनी दिया है कि जल्द अगर उनके क्षेत्र की बिजली शुरू नहीं की गई तो वे महावितरण पर मोर्चा लेकर जाएंगी। समस्या यह है कि कम से कम 55 से 56 घंटे हो गए ले, और ये एरिया में बिजली नहीं है मोहम्मदी नगर में। क्या सो रहे क्या? 55-56 घंटे कोई मायने रखते? गर्मी दुनिया भर की है, तो इसी कारण ये लोगों की परेशानी है। अब ये परेशानी ये खुद भी बताएंगे। मैंने गोरोड़ा साहब को भी लगाया फोन 5-6 टाइम, मैंने महाजन साहब को लगाया, हिंगने साहब को लगाया, और ये फोन उठा के बंद करके रख दे रही है। इसका मतलब यानी मनमानी काम कर रही है। इतना बड़ा जो है क्षेत्र है जिसके अंदर जो है लाइट नहीं है, 250-300 घरों में लाइट नहीं है, कम से कम 2 दिन हो गए, 55-56 घंटे हो गए, अभी तक लाइट नहीं है। तीसरा दिन चालू है। करना कहाँ जाना, आदमी नौकरी पाने वाले ड्यूटी करके आएंगे, आराम तो करेंगे। कौन सा हो रही है आपके यहाँ पर? हमारी 2 दिन से लाइट नहीं है। हाँ। लाइट की वजह से हमारे नल नहीं आते। अच्छा। बस ये समस्या हमारी, 56 घंटे हो गए, लाइन को लाइन नहीं आई। अभी तक यहाँ पर कोई कर्मचारी आया क्या? क्या कॉल आया? नहीं, डीपी कम वोल्टेज की बना के गए, और दो डीपी फेल हो गई हम। इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ मच्छर डांस काट रहे भी। बस वजह क्या रही है? वजह तो अभी तो कोई एमएसएमई जाने ना, जबकि इधर ऑलरेडी केबल डाले ले, कोई चोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बीच चोरी भी नहीं होती है। यहाँ पर कोई कर्मचारी आकर गया है? कोई नहीं आया, कर्मचारी भी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आया। अगर 56 घंटे आया होगा तो उनके मनमानी हिसाब से जो करना है करें, नहीं करना है उत्ते पुरता है। जबकि लोड पोजिशन ये थी कि डिम लाइट जल रहे थे, और वही जो 5-5-6-6 घंटे उसको चालू करके छोड़ के आ रहे हैं, उससे हमारा नुकसान है ना। टीवी उड़ेंगे, फ्रिज उड़ेगा। इन 56 घंटों के अंदर आप जो है एमएससीबी कार्यालय गए थे क्या? गए तो नहीं, लेकिन इनको फोन कर करके हमने कोशिश की है कि फोन पे बात करने की। गोरोड़ा साहब ने 2-3 टाइम फोन उठाए जरूर, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन अभी मैंने आधा घंटा पहले फोन लगाया तो बोले मैं भेजता हूँ, और अभी तक कोई नहीं आया। अभी इस समय भी अगर यहाँ पर कोई कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर आकर आपकी समस्या हल नहीं करते हैं, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? मैं कल और जैन सब मिलकर हम लोग है ना, हो सके तो एमएससीबी ऑफिस पर जाएंगे। वासी है सब लोग, और हमारे इधर 2 दिन से बिजली का प्रॉब्लम है, रात दिन बिजली नहीं है, और बच्चे बुजुर्ग इनको सांस की प्रॉब्लम है, कुछ है तकलीफ हो रही है, औरतों को बाहर सोना पड़ रहा, मच्छरों का प्रॉब्लम है। तो हमारे इधर लाइट का बंदोबस्त करें, जो भी कार्यकर्ता इधर के एमएससीबी के, इनको हमारा निवेदन है। लाइन आ रही जा रही, किसी के बल्ब उड़ रहे, किसी के टीवी उड़ रहे, किसी के फ्रिज उड़ रहे, इसकी भरपाई कौन देंगे? इसके बारे में अधिकारी भी सोचना चाहिए, और
लाइट के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। सावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2023-24 के एडमिशन शुरू हैं। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा, बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटेटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन, बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन, संपर्क करें मोहम्मद अली रोड खड़गा रोड MI तेली स्कूल भुसावल। भुसावल शहर में आपकी सेवा में आशा फ्रेश ऑयल में आ गया है लकड़ी घानी से बना शुद्ध तेल, जिसमें आपके सामने लकड़ी घानी से निकाला गया 100% नेचुरल केमिकल फ्री नॉन रिफाइंड मूंगफली तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, तिल, सरसों और बादाम का तेल मिलेगा। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड खड़का रोड आशा हाइट के नीचे भुसावल। वी आर द ट्रेंड सीटर्स इन एजुकेशन, वी आर नाउ इन भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नज़ीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET। वह बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन, 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस हिना पार्क ग्रीन पार्क के करीब विवेकानंद स्कूल के पीछे भुसावल, पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9159 96 9786। ईमेल ID bspatel educational campus@gmail.com, वेबसाइट bspatel educational campus.com।